मेरा नाम है हेमंत चौहान और आप देख रहे हो मेरे साथ अपना YouTube चैनल कैड गुरु। तो आज हम ऑटो कैड के तीसरे सेशन में आ चुके हैं और आज हम सीखेंगे डिवाइड कमांड और कैसे भी किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। आज हम ये सीखना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को 10 बराबर भागों में डिवाइड करूँ। तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, DIV। टाइप कर दिया आपने, आप एंटर कर दो। आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फिर पूछा जाएगा एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, तो आप डाल दोगे इसमें 10, ठीक है। अब आपने जैसे ही 10 डाला तो इसमें आपने देखा कि कुछ भी सेगमेंट डिवाइड नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर आपको कुछ भी चीज़ शो ना हो तो आप क्या करो, ये आपको चीज़ दिख रही है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और आपको चले जाना है मेनू बार में, शो मेनू बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आपने इंसर्ट करना है, सॉरी फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट स्टाइल, और आपने कोई भी पॉइंट स्टाइल पिक करके ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये आपको 10 बराबर भागों में बांट दी गई है लाइन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट आए हैं मैं इनकी पॉइंट को आइडेंटिफाई करूँ कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक कमांड है जो जिसका नाम है ID, आपने ID लिखना है और एंटर कर देना है, और आपने जोन सा पॉइंट पता करना है। जैसे आपको ये पॉइंट पता करना है, यहाँ क्लिक कर दो तो आपका आ गया x-4.9125, y की वैल्यू है 13.4266, z की वैल्यू 0.66। तो ये आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, चाहे आपको जिसका पता करना है उसका पता कर लो। राइट क्लिक करो, दोबारा रिपीट कर लो कमांड को, यहाँ क्लिक करो, ये आपको XYZ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, आप इसमें से नोट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।